मैं सुख नहीं तप मांगने आया हूं। ये सारी चुनौतियां मुझे दे दीजिए ना, ये सारी मुश्किलात रणदीप को दे दीजिए, ये सारी तकलीफें मुझको दे दीजिए, ये सारे की सारी विषमताएं पक्षपात रणदीप को दे दीजिए और 5 साल मुझको दे दीजिए। 5 साल में जब कांग्रेस की सरकार कार्यकाल पूरा करेगी तो आज मैं आपसे जींद की इस ऐतिहासिक धरती से संकल्प और वचन देकर जाता हूं, अगर जींद रोहतक भिवाणी और कैथल से बराबर और बढ़ के ना हो जाए तो मुझे आप फेल कर दीजिएगा। और यह संकल्प मेरा अकेला नहीं, ये संकल्प किरण चौधरी जी बैठी हैं, इनका भी है, इनका सहयोग भी लेंगे। ये संकल्प भाई दीपेंद्र का भी है, इनका सहयोग भी लेंगे। ये संकल्प मेरे भाई अशोक तंवर का भी है, इनका सहयोग भी लेंगे। पूरी कांग्रेस पार्टी का ये संकल्प है, सबका सहयोग लेंगे और जीन को इतना आगे तरक्की के पायदान पर ले जाएंगे कि फिर कोई किसी की हिम्मत नहीं, कोई कह दे कि यहां सुविधाओं का अभाव। मेरे बुजुर्गों साथियों, इसीलिए मैंने कहा था कि ये विधायक बनाने का चुनाव नहीं और आपका विधायक से काम चलता भी नहीं। अगर खरी बात सुनो तो विधायक से अगर आपका काम चलता तो आदरणीय मिड्डा साहब 2 बार आपने विधायक बनाए, उनका स्वर्गवास हो गया, परमात्मा उनको अपने पास जगह दे। 10 साल तक वो विधायक थे और जब वो बीमार हो गए, मैं उनका बड़ा सम्मान करता था, परिवार का भी सम्मान करता हूं, तो हमारे भाई कृष्ण मिड्डा जो आज बीजेपी के उम्मीदवार हैं वही तो उनकी विधायकी चलाते थे। 10 साल में कुछ नहीं किया, अब तो खट्टर साहब का जाने का, विधायी का, भाजपा का समय हो गया, 4 साल 7 महीने बीत गए। अगले 5 महीने अगर पूरा भी चुनाव हो तो भी 3 महीने कोड ऑफ कंडक्ट में जाएंगे। जब 4 साल 7 महीने में छक नहीं तोड़े तो 60 दिन में कुछ नहीं करने वाले। और बुजुर्गों साथियों, भाई अशोक और भाई दीपेंद्र चर्चा कर रहे थे, 2 और साथी हैं हमारे अजीज हैं, हमें कोई व्यक्तिगत द्वेष नहीं। जो जगह जगह किलकियां मरवाते, शेखियां बघारते फिरते दुष्यंत और दिग्विजय, उनकी पूरी कहानी तो जग जाहिर हो गई, उनकी पूरी कहानी परिवार की तो जग जाहिर हो गई, हम सबने देख ली। हमारा ओम प्रकाश चौटाला जी और उनके परिवार से राजनीतिक द्वंद है और ये द्वंद व्यक्तिगत नहीं, ये विचारधारा की लड़ाई है, क्योंकि चौटाला परिवार ने हमेशा किसान का शोषण किया। कंडेला में अजय सिंह चौटाला ने समझौता किया दिग्विजय के पिता ने और फिर गोलियां चलवाई जिसमें 11 मरे और 350 के करीब हमारे किसान और गरीब और बैकवर्ड के भाई घायल हुए। इसलिए हमारा राजनीतिक द्वंद है। राजनीतिक द्वंद यह भी है कि वो व्यापारी की आवाज दबाते हैं, वो दलित की आवाज दबाते हैं, ये चौटाला परिवार से हमारा राजनीतिक द्वंद है। पर दुष्यंत और दिग्विजय ने क्या किया, उनकी जो चमड़ी है, जो कपड़ा वो पहनते हैं, जिस कार में वो चलते हैं, जिस कोठी में वो रहते हैं, जो पैसा वो इस्तेमाल करते हैं, जो ठाठ बाठ और शानो शौकत से वो जिंदगी जीते, वो सब की सब उन्होंने कमाई नहीं। वो तो मुन्ना भाई LLB निकले, LLB कहते थे 12वीं पास निकले, वो सारी की सारी उनके बुजुर्ग उनके दादा ओम प्रकाश चौटाला की दी हुई है। जो लोग जींद के मेरे रणबांकरों, जींद के मालिकों सुन लीजिए, अगर दुष्यंत और दिग्विजय पहला कदम आज उन्होंने राजनीति में रखा है, जब पहला कदम जिस दिन रखा, जिस दादा की नाम और संपत्ति पर आप ऐश करते हो, उसी 86 साल के बीमार दादा को जो लोग अस्पताल से केजरीवाल के साथ षड्यंत्र कर तिहाड़ जेल रात में 11 बजे भिजवा सकते हैं, वो अपने साथ क्या करेंगे जरा सोच लीजिएगा।
हमने यह भी देखा उनकी दादी तो राजनीति में भी नहीं, बूढ़ी दादी मृत्युशैया पर अस्पताल में पड़ी और रो रो कर कह रही है, रो रो कर कहती है कि इस प्रकार के पोते दादी तो जीवी मरे पोतों के ऊपर कह रहे थे। शायद चौरी बचन सिंह आर्य जी ने कहा, पंडित रघुवीर भारद्वाज जी ने कहा, दूसरे मेरे साथियों ने इस मंच से कहा, दादी तो पोतों के ऊपर मरी जीव है, परंतु यहां हमने दुष्यंत और दिग्विजय की दादी को रोते और बिलखते और ये कहते देखा कि ऐसे पोते परमात्मा किसी के ना हो। यहां तक कह दिया उनकी दादी ने, यहां तक कह दिया कि हमारी मेरी अर्थी को कंधा मत देना और मरी हुई का मुंह ना देखना। मैं एक नौजवान जिसने जींद में जन्म लिया, जो आज भी संस्कृति और संस्कार को मानता हूं, मैं आपसे पूछता हूं मेरे बड़े बुजुर्गों, मेरे इस इलाके के मालिकों, जिन्होंने अपने दादा और दादी को जिंदे जी मार दिया राजनीति के पहले कदम पर, वो अपने इलाके के साथ क्या करेंगे, ये जरा सोचने की आवश्यकता है, बताने की आवश्यकता है। और इसीलिए मैंने कहा था कि जींद को विधायक नहीं, सत्ता में हिस्सेदारी की जरूरत है। संघर्ष की धरती बहुत दिन हम रह गए, संघर्ष आपने बहुत कर लिया, ट्रैक्टर आपने बहुत तुड़वा लिए, रैलियां आपने बहुत कर ली, गोलियां आपने सरकारों के आगे बहुत खा ली, सरकारें आपने बहुत बदल ली, सरकारें आपने बहुत बना ली, पर इन नौजवानों के भविष्य को कब बदलोगे? हमारी माटी जिसके अंदर पूरा नहरी पानी मिलता नहीं, उसके भविष्य को कब बदलोगे? हमारा जींद शहर और जींद का इलाका जो आज भी तरसता है तरक्की के लिए, इसके भविष्य को कब बदलोगे? और इसलिए रणदीप सिंह सुरजेवाला ने निर्णय किया कि मैं जींद की चुनौती को स्वीकार करूंगा, क्योंकि मेरा परिवार यहां रहता है। और बुजुर्गों साथियों, ये सही कहा था अशोक जी ने, दीपेंद्र जी ने, कि ये दोनों लोग मिले हुए हैं, ये हमें डराना चाहते। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के घर रेत डलवाकर कांग्रेस पार्टी को डराना चाहते, कांग्रेस पार्टी के नेताओं को डराना चाहते। अरे मोदी जी, आप अपने सहपाठी मनोहर लाल खट्टर जी को बता दीजिएगा, उन्होंने हमारे हाथ अभी देखे नहीं हैं, ना हम डरेंगे, ना दबेंगे, ना झुकेंगे। आप जितना जुल्म करना है करिए, हमारे हौसले और ज्यादा बढ़ते जाएंगे, और हम तब तक चैन से नहीं बैठेंगे जब तक खट्टर सरकार को उखाड़कर बंगाल की खाड़ी में नहीं फेंकाएंगे। इसलिए बुजुर्गों साथियों, एक मेरी बात जरूर ध्यान से सुनिएगा, अब नया समय आ गया है, नया सवेरा, नए उदय का समय आया है। एक एक वोट जब कांग्रेस पार्टी के हक में जींद का इलाका डालेगा, जब जींद से कांग्रेस भारी मतों से जीत कर जाएगी, जब आप अपने अजीज को अपनी नुमाइंदगी का मौका देंगे, तो मैं आज कहकर जाता हूं 90 दिनों के अंदर खट्टर सरकार अपने बोझ के तले चरमरा कर गिर जाएगी और कांग्रेस की सरकार का गठन करेंगे। इसलिए आज अगला 28 तारीख का, जब तक पोलिंग की एक एक वोट, पोलिंग का समय 5 बजे है, पर 8-8, 7-7 बजे तक पोलिंग चलती है, जो मतदाता अंदर आ जाते हैं, इसलिए 28 तारीख को एक एक वोट भुगताने की जिम्मेवारी आपकी है, पहरेदारी देने की जिम्मेवारी आपकी है। भारतीय जनता पार्टी के लोग शराब पिलाएंगे, दूसरी पार्टियों के लोग, लोकदल पार्टियों के लोग, उनका यह धंधा है, डराएंगे, दबाएंगे। पर आप एक बात समझ लीजिएगा, अगर प्रशासन का कोई आदमी, अगर चौटाला का कोई गुंडा एक कार्यकर्ता या एक वोटर की तरफ उसने नजर उठाकर देख ली, तो याद करिए फिर नरवाना वाला वही मंजर हो जाएगा, वही मंजर हो जाएगा चौटाला परिवार को। वहां से भी ये मेरे साथी खड़े
तब भी भगाया था, फिर उसी प्रकार से वोट की चोट से भगाएंगे। पहला आक्रमण आपका भाई और आखिरी आक्रमण भी आपका भाई अपनी छाती पर सहेगा। ना सरकार से डरने की जरूरत, ना गुंडों से डरने की जरूरत। जाकर पहरेदारी करिए, चौकीदारी करिए, एक एक वोट भुगताइए, एक एक दोस्त रिश्तेदार के पास जाइए और 28 तारीख तक, 28 तारीख की आखिरी वोट डलने तक वहां रहिए और विजय होकर आइए। कुरुक्षेत्र की भूमि में एक बार फिर नीति की विजय हो, धर्म की विजय हो, कर्तव्य की विजय हो। जय हिंद, जय जींद।